इज इजियर टू कैच, विचार या फीलिंग? मैं आज जवाब भी दिया, फीलिंग इज इजी. क्यों? जनरेट तो वैसा ही हुआ, वो एक साइकिल है. कौन सा जनरेट हुआ फर्स्ट क्या मालूम, लेकिन पकड़ने में, हमको पकड़ने में जागृति चाहिए. जागृति पकड़ने के लिए विच इज इजियर टू कैच, इट इज फीलिंग. फीलिंग क्यों इजी है? राइट. क्यों? क्योंकि हम शरीर में जी रहे हैं, विचारों में. विचार क्या बोलते हैं इन इन इंग्लिश, इट इज इनटेंजिबल एंड फीलिंग इज टेंजिबल. फीलिंग को फील करते हैं, विचार को देख नहीं सकते. 60,000 विचार. आई गेटिंग द पॉइंट? तो ये राइट 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 राइट. लेकिन वो पकड़ना आसान है या विचार को पकड़ना? इसको पकड़ना आसान. हाँ, इसको पकड़ना मतलब इसको महसूस करना आसान है. सो फीलिंग इज मोर इजी. तो आपको क्या करना है आज के बाद, जब भी फीलिंग आया कोलेस्ट्रॉल का, वो कोलेस्ट्रॉल का फीलिंग आया मतलब विचार आएगा लेकिन फीलिंग देखेंगे रिपोर्ट जाने का, मैं ये खाऊं, विचार आया स्ट्रेट अवे. कैच द फीलिंग, फीलिंग को चेंज करो. ओके, नंबर वन. नंबर टू, आपको वाइफ को देखकर ही मालूम, अरे नेगेटिव शुरू. वो देखेंगे और नेगेटिव शुरू, वो टाइम आपको उसके बदले में पिक्चर चेंज करना है. वो नेगेटिव नहीं है, हमारे अंदर में उसका एक परसेप्शन है कि वो नेगेटिव है. वो पिक्चर हमारे अंदर में आता है, इसलिए वो और नेगेटिव होता है. हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो वो और बढ़ते जाएगा, उसका भी बढ़ते जाएगा नेगेटिविटी. जब तक हम अपना उनके बदले में नजरिया चेंज नहीं हुआ, तब तक वो बढ़ते जाएगा. Are you getting the point? और धन में, उसने पैसा क्यों लिया? मेरे को तो बोला पैसा दे देगा वापस, लेकिन अभी नहीं बोलता है, अभी ये कर रहा है वो कर रहा है. मारा है, मैं सर बंदूक होता मारता, लेकिन मैं जेल में जाऊंगा तो मैं नहीं करूंगा. मैं ऐसा दिमाग चलता है, तो चलो मैं नहीं करूंगा, उसका एक्सीडेंट हो जाए. अच्छा इतना खराब ख्याल नहीं है तो, अरे कुछ तो हो जाए, उसका ये हो जाए वो जाए, मुझे को अपना पैसा चाहिए पैसा चाहिए. वो फिकर कंटिन्यूअसली, थॉट्स ऑफ दैट पैसा पैसा, 50 लाख इज गोइंग. यस और नो? सो आई एम नॉट सेइंग, अभी वो प्रोग्राम हो चुका है. हजारों लाखों बारी आपने वाइफ के बारे में सोचा, या मदर के बारे में सोचा, या धन के बारे में सोचा, या भैया के बारे में सोचा, या नी के बारे में सोचा, या कोलेस्ट्रॉल के बारे में सोचा. ये लाखों टाइम हो चुका है, प्रोग्रामिंग हो गया है. लेकिन इसको क्या हमको करना है? डीप्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग, जब वो विचार आता है या फीलिंग आता है, उसी टाइम आप पिक्चर चेंज करो, पिक्चर चेंज करो, पिक्चर चेंज करो, पिक्चर चेंज करो, पिक्चर चेंज करो. जितनी टाइम आपने ये किया, उतनी टाइम करने का जरूरत नहीं. इवन इफ यू डू इट फॉर 66 डेज कंटिन्यूस एवरी डे, वो प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगा और एक नया प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा. और जब नया प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा, आपका धन आना का रास्ता खुल गया, वाइफ चेंज होने का रास्ता खुल गया. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने का एक और वो उसके चेहरे में खुशी हो गई. अरे ये उम्र में वाह. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांस और हेल्थ में भी हो गया. इसको बोलते हैं RYM.